दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको मानूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। मैं अक्सर आपके सामने खबरें लेकर आती हूँ, लेकिन आज किसी खबर या रिपोर्ट से जरूरी एक सवाल है। ये सवाल आपसे है कि इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे। विक्ट्री साइन दिखाते हुए, समर्थकों का धन्यवाद करते हुए, गले में फूल माला पहने हुए बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके चेहरे पर यह खुशी कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजों के बाद की है। और वो कहते हैं, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। गौर करने वाली बात यह है कि उनके बगल में खड़े संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव जीत गए हैं और बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर केस चल रहा है। खैर, ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह को पहले से ही कहा जाता था, लेकिन इन तस्वीरों से ये बात साफ भी हो गई कि चुनाव भले ही संजय सिंह ने जीता हो, लेकिन 12 सालों से कुश्ती संघ में जिस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह की चलती आ रही थी, अब भी वैसे ही चलेगी। तो आखिर महिला पहलवानों के आरोपों और उन पर हुए अत्याचारों का क्या हुआ? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि चुनाव संजय सिंह जीते हैं, पर ना तो उनके चेहरे पर वो खुशी है, ना मीडिया के कैमरों का फोकस उन पर है, और ना ही वो इस जीत के लिए लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कुश्ती संघ चुनाव के नतीजों के बाद मीडिया के सामने आकर निराशा जाहिर की और मलिक ने तो कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। खैर, वो उनके विरोध करने का तरीका है, लेकिन सवाल आपसे है कि क्या यही है न्याय संगत अंत? ब्रजभूषण शरण सिंह डंके की चोट पर खुद को बाहुबली कहते हैं। कई इंटरव्यू में तो वो पहलवानों के आरोपों पर गुस्से से तिलमिलाते हुए भी नजर आए हैं। उन पर मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो हम उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ब्रजभूषण सिंह और उनके समर्थकों का खुलेआम विवादित बयान देने का सिलसिला भी जारी है। कुश्ती संघ चुनाव के नतीजों के बाद भी उनके घर के बाहर पोस्टर में लिखा है, ये तो भगवान ने दे रखा है, दबदबा तो रहेगा। भारतीय कुश्ती संघ चुनाव में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह को 40, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी और राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनीता शिवराण को सिर्फ 7 वोट मिले। अनीता का पैनल हालांकि महासचिव का पद अपने नाम करने में सफल रहा, जबकि प्रेमचंद लोचब ने दर्शन लाल को हराया। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड के पूर्व सचिव लोचब ने 27-19 से जीत दर्ज की। राष्ट्रीय राजमार्ग पर फूड जॉइंट्स की चेन चलाने वाले और प्रदर्शनकारी पहलवानों के करीबी माने जाने वाले देवेंद्र सिंह कादियान ने आईडी नानावटी को 32-15 से हराकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद अपने नाम किया। नतीजों के सामने आने के बाद प्रदर्शनकारी पहलवानों में शामिल साक्षी मलिक ने रोते हुए कहा, हम 40 दिनों तक सड़कों पर सोए और देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर ब्रजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। इस दौरान उनके साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी मौजूद रहे। हम अंत में आपको सुनाते हैं कि जीत के बाद किस दबंगई से मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि कुश्ती के गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो नौजवान लड़के और लड़कियां इस क्षेत्र में कुश्ती में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको इस जीत के बाद क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश मिल गया। आज हिंदुस्तान के लगभग हर अखाड़े पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, सारे अखाड़ों पर ऐसे ही पटाखे दग रहे हैं। सांसद जी, दबदबा तो है, इस तरीके का हमने पोस्टर भी देखा है, उसको एक बार दोहरा दीजिए और इसके पीछे क्या मकसद है, किसे आप संदेश देना चाहते हैं? अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और ये
ये भगवान ने दे रखा है, ये भगवान ने दे रखा है, है? जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय इस देश के पहलवानों को और फिर जो मतदाता हैं उनको तो है ही। और मैं सरकार को भी धन्यवाद करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह चुनाव हुआ है इसकी पीआईएल सरकार ने डाली थी। एक तरीके से सरकार के आदेश पर यह चुनाव हुआ है क्योंकि हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था और उसके खिलाफ खेल मंत्रालय गया, भारत की सरकार गई और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, खेल मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं कि चुनाव हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुआ और चुने गए लोग। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।